अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मशहूर सहाबी हजरत सैयदना अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु की कनीज ने एक दिन अर्ज किया, हजूर सच बताइएगा, आप इंसान हैं कि जिन? फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान ही हूँ। कहने लगी, मुझे तो इंसान नहीं लगते क्योंकि मैं 40 दिन से लगातार आपको जहर खिला रही हूँ, मगर आपका तो बाल भी बीका नहीं हुआ। फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं, जो लोग हर हाल में जिक्रुल्लाह करते रहते हैं उनको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आजम के साथ अल्लाह पाक का जिक्र करता हूँ। उसने पूछा, वो इसमें आजम कौन सा है, मुझे बता दीजिए। फरमाया, हर बार खाने पीने से कबल मैं ये पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैयुन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, यानी अल्लाह पाक के नाम से शुरू करता हूँ जिसके नाम की बरकत से जमीन व आसमान की कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वह सुनने जानने वाला है। इसके बाद आप रजी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया कि तूने किस वजह से मुझे जहर दिया? उसने कहा कि मुझे आपसे बुग्स था। ये जवाब सुनते ही आपने फरमाया, तू लिवजहिल्ला, यानी अल्लाह पाक के लिए मैंने तुझे आज़ाद किया, और तूने मेरे साथ जो कुछ किया वो भी मैंने तुझे माफ किया। सुबहानअल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह के नेक बंदे किस तरह लोगों को माफ कर दिया करते थे, तो हमें भी चाहिए कि लोगों को माफ करने की आदत बनाएं और हर दफा खाने पीने से पहले इस दुआ को जरूर पढ़ लें ताकि हमें भी कोई चीज नुकसान न पहुंचा सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल सूफिज्म ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।